हाय फोक्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो रिलेटेड टू टाटा नैनो। एंड अभी का जो सीन है, आज मेरी बात हो गई है गाइस सर्वेयर से भी एंड रावत मोटर्स के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है वहां से भी। सो अब सीन गाइस ये है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सीन है। मतलब फ्रंट का जो इम्पैक्ट है वो फेंडर बम्पर तो मिल ही रहा है एंड जो साइड के इम्पैक्ट से उनका कुछ नहीं दे रहे, प्लस हेडलाइट का मुझे उन्होंने ऑफर किया। मतलब हेडलाइट का मुझे समझ नहीं आया, मैंने आप लोगों को दिखाई भी है, हेडलाइट तो बिल्कुल ओके है। सो मैं कल ऑब्वियसली जाऊंगा क्योंकि मेरा जीरो डेप इंश्योरेंस नहीं है एंड वो हेडलाइट का करेंगे तो टाटा के अंदर हेडलाइट भी महंगी है ये, तो मुझे 50% उसका चार्ज देना पड़ जाएगा जो कि मेरे लिए बेफालतू का खर्चा हो जाएगा। क्योंकि एक दो एक हफ्ता मतलब मैक्स 10 डेज पहले ही मैंने हेडलाइट लगाई है यार, नैनो की एकदम ब्रांड न्यू है, उसे कुछ हुआ भी नहीं है, एकदम मैंने ढंग से चेक किया उसे, इट्स एब्सोल्युटली ओके। सो मेरे पास वीडियोस गाइस रावत मोटर्स के भी हैं, टो जब यहां से हुई थी गाड़ी तब के भी है, सारे वीडियोस हैं। सो इनकेस वहां पे इन लोगों ने कुछ कर दिया होगा ना तो देखेंगे वो तो कल पता चलेगा आप मुझे। सो कल मैं मॉर्निंग में एक बार जाने का सोच रहा हूँ एंड वहां जाके एक बार ढंग से गाड़ी चेक वेक करूंगा कि ये प्रॉब्लम है तो है क्या। एंड जो मैंने उसे बात तो की है वैसे आज सर्वेयर से कि यार इम्पैक्ट तो साइड में हुआ है, फ्रंट का तो है भी नहीं। एंड हाँ, बॉनेट पे जो डेंट आया हुआ था टॉप ऑफ द हेडलाइट एक, वो भी रिपेयर के लिए उन्होंने बोला है। सो चलो वो तो ठीक है, वो तो है भी उसी के अंदर, बट हेडलाइट का सीन नहीं समझ में आया। और हेडलाइट की जगह ये साइड का अप्रूव करना चाहिए इन लोगों को, मेरे को तो कहानी समझ नहीं आ रही यार, बड़ा ही घोर संकट वाली सिचुएशन है यहाँ पर। सो जैसे ही मेरे पास गाइस अभी शाम को ही अपडेट आया तो मैंने सोचा कि एक आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। सो मैं घर में कोशिश कर रहा था, पर देव सर के साथ ना यू नो शोर शराबा काफ़ी होता है तो वो रह जाती है बात। सो तभी मैं यहाँ पे अभी गाड़ी के अंदर आया हूँ, आराम से बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। एंड कमेंट्स में बताना ज़रूर कि हेडलाइट के लिए क्या करना चाहिए। मतलब मैं एक्चुअली हक में तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1500 रुपये देने पड़ जाएंगे और अभी ब्रांड न्यू हेडलाइट लगाई है, सो पॉइंट नहीं बनता। अगर पुरानी वाली हेडलाइट लगी होती ना तो मैं फिर एक बार सोच लेता कि चल एक और हेडलाइट आ जाएगी स्पेयर में रख लेंगे, लेकिन अभी तो कोई फायदा नहीं है ना, ये वाली हेडलाइट वो ले लेंगे और उसको तोड़ भी देंगे जबकि वो एकदम ओके है। एक और संकट है यार। सो चलो ये अपडेट आपके साथ शेयर करना था एंड आप सबके साथ अभी कमेंट्स में जरा डिस्कस करते हैं। आप गाइस कमेंट हमेशा लिखना, मैं पढ़ सारे लेता हूँ, बाई चांस रिप्लाई नहीं कर पाता वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ मैं पढ़ता ऑलमोस्ट सारे क्योंकि फोन के ऊपर आ जाते हैं एंड रिप्लाई करने के लिए कई बार क्या होता है कि वो ना फोन की ऐप इतनी ग्रेट नहीं है तो मैं पीसी पे या टैब पे ओपन करता हूँ तो वो उस चक्कर में बस वो कमेंट्स लटक जाते हैं। फोन में अगर करूँ तो ना वो कुछ चीज़ों का हिट एंड मिस रहता है तो इस वजह से डिले हो जाता है। सो प्लीज़ डो नॉट माइंड दैट। एंड नेक्स्ट वीक मैं लाइव भी प्लान कर रहा हूँ, इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक करते हैं, वो भी कुछ और वीडियोस भी हैं आप सबके लिए, लीनिया के लिए भी हैं, देव सर के भी हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो चैनल को चेकआउट करते रहना। एंड अगर गाइस आपने जस्ट अभी ये मुझे नैनो एक्सीडेंट वीडियोस रिलेटेड ही सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब नहीं, आपने अगर खाली सिर्फ देखना स्टार्ट किया है तो हाँ सब्सक्राइब डेफिनेटली करना क्योंकि खाली नैनो नहीं है चैनल पे, बहुत और भी बहुत चीज़ें हैं, इट्स कंप्लीट लाइफस्टाइल स्टफ, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और नहीं है मज़ा आएगा तो मुझे फीडबैक देना, मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा, आपको मज़ा डेफिनेटली आएगा। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर कुछ सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं। सो अब मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड हाँ कमेंट जरूर करना यार, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सो आज रात में इसको निपटाएंगे और कल सुबह मुझे जाना है, सो इसलिए फटाफट से कमेंट डाल देना, जितने हो सके डाल देना। All right, guys, thank you so much. Bye. Ciao.